नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। देखो, अधिकांशतः हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने ये तो बता दिया कि पढ़ाई शुरू करो, लेकिन शुरू करे कहां से, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको एक सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा, इतिहास के लिए बताऊंगा, ठीक है, कि इतिहास को कैसे पढ़े। और ऐसे कर करके मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े और उसकी पढ़ाई कहां से शुरू करें, ठीक है। तो चलो इसमें इतिहास को लेके बताऊंगा। ओके, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है ना, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री पूछा जाता है, तो आप कितना पढ़ेंगे इतिहास में। देखो, कॉम्पिटेटिव लेवल का कोई सिलेबस जो है ये एक तो अथाह है, ठीक है ना। ये एक ऐसा समझ लो कि ये सागर है और इसमें जो है पार पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम उस एरिया को कवर करते हैं जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम है जहां हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम है जहां हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बीपीएससी की बात करें तो हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। वहां पे हिस्ट्री अपने आप में एक समझो कि बहुत बड़ा रोल अदा करता है वहां पे। लेकिन वैसे ही अगर आप एयरफोर्स नेवी के मामले में देखो तो वैसे ही जगहों पे हिस्ट्री जो है कुछ खास रोल अदा नहीं कर पाती है, ठीक है। तो आप जो है देखो कि किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। मैं एक सिलेबस बता रहा हूं जो कि लगभग सभी एग्जाम में अगर हिस्ट्री पूछा जाता है और अगर आप इतना कंप्लीट करते हो तो आप मान के चलो कि आपकी हिस्ट्री तैयार हो गई, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तब, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तब। पढ़ने के लिए देखो बेस्ट माध्यम अगर कोई है तो वो बुक है, ठीक है। लेकिन बात आती है कि शुरुआत कहां से करें। आप पढ़ने के लिए बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप पढ़ने के लिए वीडियोज से भी पढ़ सकते हो, बहुत तरीके हैं पढ़ने के, ठीक है। लेकिन आप कहीं से भी पढ़ना जब शुरू करते हो, बुक में भी आप कुछ ऐसे बुक्स हैं जिनमें एकदम कंप्लीट दिया हुआ है। जैसे अगर आप लूसेंट की बात करो तो लूसेंट में बड़ा ही संक्षिप्त में दे दिया गया है। ऐसे महेश कुमार बर्नवाल की बुक आती है संक्षिप्त इतिहास, आप उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इतिहास शुरू करना चाहते हो तो महेश कुमार बर्नवाल इतिहास है उनका संक्षिप्त इतिहास, वहां से आप शुरू कर सकते हो। शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद जब आप संक्षिप्त इतिहास जो है जब आप पढ़ लो पूरा, उसके बाद और डिटेल जाने के लिए उनका आधुनिक भारत पे अलग बना हुआ है, उनका जो है मध्यकालीन भारत और जो है ये आपका जो प्राचीन भारत है उसके लिए अलग से इतिहास उन्होंने बनाया हुआ है। तो आप पहले एक बार कंप्लीट पढ़ लो और उसके बाद जो है आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेस से पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊं कि आप पढ़ना कहां से शुरू करोगे। तो सबसे पहले आपको इतिहास में पढ़ना चाहिए ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, कि पहले तो इतिहास क्या है आखिरकार में। जब आप ये पढ़ लो इतिहास क्या है जान जाओ, तो फिर ये पढ़ो कि इतिहास के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है, इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके सोर्स क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं, इन चीजों के बारे में। जैसे ताम्र पत्रों से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है, सिक्कों से जानकारी मिलती है, जहां तहां खुदाइयां हुई हैं उनसे जानकारी मिलती है, बहुत सारे लिखित प्रमाण हैं, पत्थर हैं, उनसे जानकारी मिलती है। तो पहले आप इतिहास के स्रोत पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे कि इतिहास के किस युग में, मतलब जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, तो इन सब अलग अलग कालों में अलग अलग समयों में जो है कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पे इतिहास के स्रोत मिले हैं। तो फिर आप क्या पढ़ोगे, इतिहास के युगों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लोगे। फिर आप पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे पे फैली हुई एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी, बहुत पुरानी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप पढ़ोगे,
2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक, ठीक है, लगभग माना जाता है कि इसका समय पीरियड रहा है। बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे ईसा मसीह का जन्म अगर 0 हो गया और आज अगर हम लोग 2020 में हैं, तो इसके 0, 0 नहीं, ऐसे तो 1 मानो, 0 कुछ नहीं होता है हिस्ट्री में, ठीक है। तो इससे ईसा मसीह के जन्म से पीछे जो ये जो पूरा पीरियड है, ओके, ये जो पूरा एज है, इसको आप कहोगे ईसवी पूर्व, या फिर इसी को बीसी कहते हैं। और अभी ये जो है ये आपका ईसवी है, ठीक है। तो आप जो है फिर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद जो है फिर वैदिक सभ्यता पढ़ोगे। वैदिक सभ्यता भी दो भागों में बटी हुई है, एक 1500 से 1000 BC, ओके, जिसको आप ऋग वैदिक कहते हो, और एक 1000 से 600 BC, जिसको आप जो है उत्तर वैदिक कहते हो। वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, इसके बाद जो है आप आगे पढ़ाई शुरू करोगे, जैन धर्म पढ़ोगे, बौद्ध धर्म पढ़ोगे। देखो, अगर कहीं ऐसा हो, मान लो आपने कहीं ये प्लेलिस्ट खोला, कहीं यूट्यूब पे सर्च किया हिस्ट्री, और वहां पे आपके सामने जो है मान लो बौद्ध धर्म का लेक्चर कहीं से आ गया, आपके सामने बुद्धिज्म जो है कहीं बुद्धिज्म का लेक्चर आपके पास आ गया, या आपके पास जैनिज्म का लेक्चर आ गया, और आपने इसको पढ़ा, ठीक है, मान लो 1-1.5-2 घंटे में ये आपका बुद्धिज्म आपका क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओके। तो अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ लिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब पढ़ना शुरू करो एकदम शुरू से ही शुरू करो, ठीक है। अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ लिया तो समझो आपका एक चीज, ये एक टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। आप ऐसे कर कर के अपने पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करो। आप जहां से पढ़ो, आपको जहां से पढ़ने में रुचि लगती है, बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप इसको क्रमवार तरीके से पढ़ो, सिलसिलेवार तरीके से पढ़ो, तो फिर आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, या कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद, ठीक है, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बारे में सब कुछ पढ़ोगे, जो ग्रंथ दिए हैं उनके बारे में पढ़ोगे, कहाँ कहाँ संगीतियाँ हुई उनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, सब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। फिर आप जो है जनपद पढ़ोगे, महाजनपद पढ़ोगे, 16 महाजनपद, उसी जो महाजनपदों में अलग अलग जो महाजनपद हुए, उसी में आपका जो है मगध हुआ, ठीक है। तो फिर आप मगध के बारे में पढ़ोगे। मगध के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के वंश आएंगे, जैसे हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, तो ऐसे आप अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ोगे। मगध के बाद आप जो है फिर नंद वंश में, आपने धनानंद का नाम सुना होगा, धनानंद को जो है मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उसके बाद फिर मौर्य वंश शुरू हो जाएगा, फिर आप मौर्य वंश पढ़ोगे। मौर्य वंश पढ़ने के बाद जो है भारत में कुछ ईरानियों का आक्रमण होता है, आपने सुना ही होगा, ये आक्रमण जो है इसी नंद वंश के समय पे हुआ था, ठीक है। एलेक्जेंडर आया था उधर से, आक्रमण किया था उसने, पोरस से लड़ाई हुई थी उसकी। तो आप जो है ईरानियों का आक्रमण पढ़ोगे, यहीं पे ईरानिया का, मकदूनिया का आक्रमण पढ़ोगे। इसके बाद सातवाहन युग पढ़ो, उसके बाद आगे जो है आप चोल, चेर, पांडे, ये सारे वंश पढ़ोगे। इसको कंप्लीट करने के बाद गुप्त वंश पढ़ोगे, ये भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग, जिसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। एक से एक विद्वान, एक से एक महात्मा, एक से एक ज्ञानी लोग इसी काल में हुए, एकदम जबरदस्त तरीके से सब कुछ मिलेगा आपको। गुप्त वंश जब आप पढ़ लोगे, कैसे पढ़ोगे, मैंने अभी बताया कि बुक से पढ़ सकते हो, वीडियो से पढ़ सकते हो, एक एक टॉपिक सर्च करो, पूरे लोगों ने वीडियो बना के रखा हुआ है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है। आप जैन धर्म सर्च करो, 50 वीडियो आपके सामने आएंगे, बौद्ध धर्म सर्च करो, तो पढ़ने की कमी नहीं है कि कैसे पढ़ोगे, बस ये समझ लो कि कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। गुप्त वंश पढ़ने के बाद आप पुष्यभूति वंश और विशेष रूप से हर्ष के बारे में पढ़ोगे। फिर आप थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां चालुक्यों के बारे में, पल्लव वंश के बारे में पढ़ोगे, और इसके बाद आपका प्राचीन भारत मतलब एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंशियंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू हो जाता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन में आप पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, आप पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बस टॉपिक का नाम आपको बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा। फिर तुर्कों में आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का,
महमूद गोरी का, उसके बाद इसका गुलाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, वहां से गुलाम वंश की शुरुआत हो जाएगी 1206 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद जो है आपका फिर ये चलेगा, गुलाम वंश चलेगा, उसमें अलग अलग लोग आएंगे, इल्तुतमिश होगा, रजिया सुल्ताना, खिलजी वंश फिर चलने लगेगा। खिलजी में आपके आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद जो है तुगलक वंश आएगा, मुहम्मद बिन तुगलक, गयासु दिन तुगलक। ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे, सैयद वंश फिर आएगा। ठीक है, सैयद वंश के बाद लोदी वंश आएगा, ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत कहलाता है। लोदी वंश में इब्राहिम लोदी को मार देगा बाबर आके। ठीक है, ये 1526 ईस्वी में। ओके, और इसके बाद जो है फिर बाबर जब उसको मार देगा, इसके बाद जो है वहां से बाबर अपना वंश शुरू करेगा। तो फिर आप मुगल वंश पढ़ोगे उसके बाद, तो ये एक एक वंश पढ़ोगे, फिर आप मुगल वंश पढ़ोगे, मुगल में बाबर को पढ़ोगे। ठीक है, 26 के बाद ये 30 में इस मर जाएगा बाबर जो है, 26 27 28 29 मर जाएगा, चार लड़ाइयां करेगा। इसके बाद हुमायूं के बारे में पढ़ोगे, अकबर के बारे में पढ़ोगे, जहांगीर पढ़ोगे, शाहजहां पढ़ोगे, औरंगजेब 1707 ईस्वी में खत्म इसकी कहानी। इसके बाद बाबर का जो वंश है मुगल वंश, इसका पतन हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसे चलेगा लेकिन उतने शासक मजबूत नहीं होंगे इसमें। तो आप इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ोगे, मैं बस टॉपिक बता रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है। मान लो कि अगर आपने जो है आप कहीं मुगल वंश पढ़ लिए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको एकदम शुरू से ही शुरू करना है। ठीक है ना, आप कहीं से शुरू करो लेकिन इन तमाम चीजों को पढ़ना है आपको। ओके, मुगल वंश जैसे ही खत्म होगा, यहाँ आपका मेडाइवल इंडिया खत्म, यहाँ से आप आधुनिक भारत मॉडर्न की शुरुआत हो जाएगी। फिर कंपनी कैसे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, फ्रेंच की कंपनी कैसे आई यहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पढ़ोगे। फिर बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ोगे, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, ये सब कुछ इन सब के बारे में पढ़ोगे। फिर बक्सर का युद्ध होगा 1764 ईस्वी में, फिर कैसे अंग्रेज जो है कब्जा कर लेंगे पूरे भारत पे, मराठाओं से युद्ध होगा। ठीक है, अवध के नवाब आपको इधर ही मिल जाएंगे। इसके बाद मराठा से युद्ध होगा, मराठाओं से फिर जो है कैसे वहां अंग्रेज जो है अपना शासन करेंगे। उसके बाद जो है फिर मैसूर चले जाओगे नीचे दक्षिण भारत के तरफ, तो वहां पर जो है आपको मिल जाएंगे टीपू सुल्तान वगैरह वगैरह। ठीक है, वो लोग वहां पे मिल जाएंगे। इसके बाद जो है अंग्रेजों का पूरा कंप्लीट शासन हो जाएगा भारत पे। फिर विद्रोह शुरू होगा, 1857 का विद्रोह होगा, अलग अलग टाइप के विद्रोह होंगे यहाँ पे। ठीक है, और विभिन्न आंदोलन होंगे अंग्रेजों से आजादी के लिए, तो आप आजादी की लड़ाई पढ़ोगे, उसी में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है गांधी जी आएंगे 1915 ईस्वी में, और भी बहुत सारी बीच में घटनाएं होंगी। ठीक है, और फिर जो है गांधी जी आएंगे, उन वो जो है अलग अलग प्रकार के अपने आंदोलन करेंगे, चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्या, उसके बाद जो है खेड़ा विद्रोह तो अलग है। ठीक है, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऐसे ऐसे अलग तरीके के, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, और इसके बाद भारत जो है 1947 ईस्वी में आजाद हो जाएगा। इतना कुछ आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो लगभग समझोगे कि आपका जो है इतिहास लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अभी वर्ल्ड हिस्ट्री रह जाएगी आपकी पढ़ने के लिए। ऐसे आप अगर इंडिया का हिस्ट्री पढ़ लोगे तो समझो कि लगभग इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से नाम मात्र के ही क्वेश्चन आते हैं, और मैंने बताया कि एग्जाम के हिसाब से देखना होगा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और उस एग्जाम में, उस एक पार्टिकुलर एग्जाम में जो है इतिहास की क्या वेटेज है, इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में भी कुछ ऐसे एग्जाम है जहाँ मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम आपको मिलेंगे जहाँ एंशियंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे एंशियंट से तो कुछ ही एग्जाम में, लाइक बीपीएससी एग्जाम में जो है एंशियंट से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन जो है मॉडर्न इतिहास का बोलबाला जो है लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ है, इनको पढ़ोगे। इसके बाद जो है यही आधुनिक भारत में ही आपकी पॉलिटी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आधुनिक भारत में ही 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और यहाँ से आपकी पॉलिटी शुरू हो जाती है। अंग्रेज जो है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग प्रकार के नियम आते हैं,
तो फिर पॉलिटी आप यहीं से इतिहास से ही पॉलिटी निकलेगा, ठीक है। तो इतिहास नहीं पढ़ोगे अगर, अगर किसी को हिस्ट्री की जानकारी नहीं होगी भाई, तो समझो कि वो लगभग विषय नहीं जान पाएगा। अगर किसी का हिस्ट्री कमजोर हो गया तो उसको पॉलिटी समझ में नहीं आएगी। इतिहास ही तो न्यू है, अगर आप अपने इतिहास को नहीं समझोगे तो आप भविष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। इतिहास ही वो चीज है आप, जो आपको सिखाएगा कि आपका भविष्य जो है वो कैसे उसको बनाना है। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको आपको नहीं दोहराना है और भविष्य बनाना है। तो ये चीज हिस्ट्री आपको बताएगी। और ध्यान रखना, बैठने का समय नहीं है। अगर आप बैठे रह गए तो आपके सामने एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि अब क्या करूं, अब तो मेरे पास समय ही नहीं है। तो अभी आपके पास समय बहुत बचा हुआ है, शुरू करो। जो लोग शुरू करते हैं वही कहीं पहुंचते हैं। अगर आप शुरू नहीं करोगे तो आप फिर कहाँ पहुंचोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।